नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीवन कोश। दोस्तों, कुछ फल ऐसे होते हैं जिन्हें लोग ज्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये फल गुणों से भरपूर नहीं होते। आज हम आपको ऐसे ही एक फल के बारे में बता रहे हैं जिसका नाम है शरीफा। ये एक ऐसा फल है जो हल्की ठंड होती है जैसे अक्टूबर के महीने में, तो ये मार्केट में आना शुरू हो जाता है। वैसे तो कई लोग इस फल को सीताफल भी कहते हैं, लेकिन अगर न्यूट्रिएंट वैल्यू की बात की जाए तो इस फल में विटामिन सी, विटामिन बी, मैग्नीशियम जैसे कई पोषक तत्व होते हैं। आप अगर इस फल को नहीं खाते तो इसके गुण जरूर जान लीजिए आज के वीडियो में, और साथ में ये भी जानिए कि शरीफा खाने से हमारे शरीर को क्या क्या फायदा मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, बाहर से कठोर दिखने वाला शरीफा अंदर से बहुत ही मुलायम होता है। शरीफा का इस्तेमाल कई तरह की स्वीट डिशेस में जैसे कि आइसक्रीम बनाने के लिए भी किया जाता है। शरीफा का अगर हम सेवन करते हैं तो कई बड़ी बीमारियों से ये छुटकारा दिलाने में बहुत ही ज्यादा लाभकारी साबित हो चुका है। आपको बता दें दोस्तों, शरीफा कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर के साथ कई तरह के न्यूट्रिएंट से भरपूर है। इतना ही नहीं बल्कि शरीफा के पत्तों को इस्तेमाल में लाया जाता है यूनानी दवाइयों को बनाने के लिए। शरीफा में ज्यादा मात्रा में विटामिन B6 पाया जाता है जो अस्थमा के अटैक से बचाने में काफी हद तक मदद कर सकता है। शरीफा में मौजूद पोटेशियम, मैग्नीशियम दिल से जुड़ी बीमारियों से राहत दिलाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। दिल के मरीजों को शरीफा का सेवन नियमित रूप से करना चाहिए। ये फल पोटेशियम से भरपूर होता है जो शरीर में कमजोरी को दूर करने में काफी हद तक लाभदायक होता है। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो इससे ब्लड सर्कुलेशन में भी सुधार हो सकता है, जिससे थकान दूर हो सकती है, कमजोरी भी दूर हो सकती है। आपको पता है जो शरीफा है उसको खाने से हमारे बाल और हमारी स्किन भी हेल्दी रह सकती है। शरीफा में मौजूद विटामिन ए स्किन और बालों के लिए काफी हेल्दी होता है। ये एजिंग की समस्या से हमें काफी हद तक राहत दिलाता है। दोस्तों, शरीफा में विटामिन ए, विटामिन सी और राइबोफ्लेविन होता है जो आंखों की रोशनी बढ़ाने में बहुत मदद करता है। आपको बता दें, गर्भ अवस्था में अगर आप शरीफा अपनी डाइट में शामिल करती हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें कॉपर आयरन होता है जो प्रेगनेंसी में आ रही दिक्कतों को काफी हद तक रिजॉल्व कर देता है। इसके अलावा दोस्तों, ओरल हेल्थ को बनाए रखने में भी शरीफा बहुत फायदेमंद है। खासकर अगर आपके दांतों में अक्सर दर्द रहता है तो फिर शरीफा को खाना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे आपके मुंह की बदबू भी दूर होती है। और दोस्तों, सीजनल फ्रूट्स खाने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है, ऐसा हम आपको पहले भी बता चुके हैं। और शरीफा सीजनल फ्रूट है, जैसे कि अभी अक्टूबर में आना शुरू हो जाएगा, तो इसे आप जरूर खाएं और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट जरूर करें। इसके अलावा दोस्तों, बहुत लोग परेशान होते हैं कि वजन हमारा कम नहीं होता, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस बात से परेशान रहते हैं कि वजन हमारा बढ़ता नहीं है। तो आपको बता दें, अगर आप दिखने में कमजोर हैं या कोई भी डाइट आपके शरीर में नहीं लगती है तो आपको शरीफा खाना चाहिए। शरीफा आपके डाइजेशन सिस्टम को बेहतर बनाने में बहुत कारगर है। और आपको ये भी बता दें, ये आपका वेट हेल्दी वे में बढ़ाएगा, ना कि अनहेल्दी वे में। तो दोस्तों, एक फल खाने से जब आपको इतने बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो क्यों ना इस फल को अपनी डाइट में शामिल किया जाए। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन जीवन कोश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।